भारत एक ऐसे जी अब शोर बहुत अच्छा है। आप घबराइए नहीं, थोड़ा नीचे कीजिए तो हम बहुत गहरा देंगे। आप बौखलाएंगे तो हम गहरा माल नहीं देंगे, बहुत बैलेंस रहेंगे तो बहुत कड़क देंगे। आइए, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर मत देखिए, शुरू हो जाएं। सोनू निगम भारत का एक ऐसा नाम है जिस प्रकार से विदेशों में बड़े बड़े अंग्रेजी नाम आते हैं रॉक स्टार्स में, भारत का एक ऐसा नाम है हमारी बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा, नॉन फिल्म सिनेमा और नॉन फिल्म म्यूजिक, प्राइवेट एल्बम्स, जो सचमुच के रॉक स्टार हैं। जब स्टेज के ऊपर होते हैं तब भी वही होते हैं, जब स्टूडियो में होते हैं तब भी वही होते हैं। जिस प्रकार से लोगों पर केस स्टडीज़ की जाती हैं, थोड़ा नीचे करिए प्लीज़, आने वाले समय में उनके ऊपर थीसिस लिखे जाएंगे, आने वाले समय में उनके ऊपर रिसर्च की जाएंगी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे कलाकार हैं, ऐसे सिंगर हैं भारत के जो नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी और फिल्म म्यूज़िक में भी महारत प्राप्त है जिनको। तो इसलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन तक गई एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, और उनकी जो एल्बम आई है वो भी बल्ले बल्ले हो गई विक्रम घोष के साथ। विक्रम घोष भी हमारे पुराने यारी हैं, हमारे करियर की शुरुआत में उनसे यारी हो गया था, हमारी दोस्ती हो गई थी। सोनू निगम हालांकि मुझसे 15 दिन छोटे हैं डेट ऑफ बर्थ वाइज, लेकिन फिर भी मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि वो हमसे सीनियर बहुत हैं और उनकी गाइडेंस हमको हमेशा रहती है। सर सामने नहीं, यहाँ दूं क्या? गायकों का आप जो बोल रहे हैं कि सर्वाइवल मुश्किल है, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो एक फेज होता है, एक गर्मी होती है, एक आरोही होता है, आरोही क्रम, वो जरूर सबका होता है। लेकिन जब सिंगर हो सोनू निगम जैसे, जब सिंगर हो शान शंकर, इस तरह के टैलेंट लोग, तो उनमें ज़रा ये बात लागू नहीं होती, उनकी सर्वाइवल में कभी मुश्किल नहीं आएगी। जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो मरते दम तक बहुत बिजी, बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित होते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भारत के नॉन फिल्म म्यूजिशियन हुए हैं जगजीत सिंह जी, मरते दम तक उनके पास डेट्स नहीं थी। कुदरत का करिश्मा देखिए, हुनर जो है वो हुनर अपनी एक अलग पहचान लेके आता है, और इसलिए जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनको कभी सर्वाइवल की मुश्किल आती नहीं, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। जल्दी पूछिए प्लीज। देखिए, समय ऐसा होता है, कभी कभी कुछ लोग पुराने गानों का फिर से एक रिक्रिएशन करते हैं, इट्स ओके, इट्स नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं हैं, नमस्ते। सोनू निगम और विक्रम घोष को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। हम बहुत खुश हैं कि हमारे हिंदुस्तान के संगीत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और दुनिया में इतना बड़ा नाम बना। शुरू करें। पार्टी का अंदर रखिए क्या? इनसाइड। सोनू निगम और विक्रम घोष को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम उन्होंने हमारे संगीत के माध्यम से ऑस्कर तक पहुँचाया है, बहुत बड़ी बात है। नॉमिनेट होने का मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड वो है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और जीतना भी जल्दी हो जाएगा, एक बार वहाँ तक पहुँचे हैं तो जीतेंगे भी। मेरी पूरी शुभकामनाएं दोनों के साथ। देखिए, हम सबको जीतना है, हम सब काम करते हैं, लेकिन ऑस्कर तक पहुंचना वही कर पाता है जो खास होता है, और वो सोनू निगम और विक्रम घोष दोनों में वो बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, होली के क्या प्लान्स हैं?
होली की प्लान्स हैं कि अब अभी तक रंग खरीदे नहीं हैं, जरा रंग आ जाएं तो प्लान किया जाएगा। पुराने गानों का रीमिक्स करना अच्छा है क्योंकि वो गाने फिर से लोगों के दिमाग में आते हैं, आज की यंग जनरेशन फिर से उन गानों को सुनती है और उसका आनंद लेती है, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तोड़े मोड़े नहीं, उसको खूबसूरती से पेश करें। साइलेंस। मुझे भी आ रहा है। सर कॉन्सेप्ट क्या है एल्बम का, इस रोल का? हाँ, दैट्स व्हाट वी डूइंग। या दैट्स व्हाट जी। हाँ जी सर, आज सक्सेस हुआ आपका एल्बम, किस तरह कॉन्सेप्ट है एल्बम का ये? ठीक है, मैं द म्यूजिक रूम जो एल्बम है, इसी एल्बम से हमारा जो साथ में काम ये शुरू हुआ, एक बहुत ही डाइवर्स एल्बम है जिसमें 7 गाने हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग किस्म के मेलोडीज़ हैं, बहुत डाइवर्स वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंटेशन है और ताल का खेल भी है। जिस तरह का म्यूज़िक आप लोग सुनते हैं फिल्मों में, और वो एक तरह का होता ही, ऑफ कोर्स वो हम सब इंजॉय करते हैं, हम उसके हिस्से हैं, लेकिन जो म्यूज़िक आप नहीं सुन पाते उसके लिए आपको किसी गैर फिल्मी एल्बम का ही सहारा देना पड़ेगा। और हमारा फ़र्ज़ ये है कि जब हम गैर फिल्मी एल्बम कर रहे हैं तो आपको म्यूज़िक अलग से दें, जो आपके बच्चे सुने बोले यार ये किसी फिल्म का नहीं लगता। तो ये कोशिश की हमने अपनी जो एल्बम है द म्यूज़िक रूम, उसमें लिटरली द म्यूज़िक रूम में घुस के हमने अपनी मर्ज़ी से जो गाने निकलते हैं सोच से हमारी आत्मा से, वो हमने उस पर काम किया। और टाइम्स का ऑफकोर्स इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है और हम सभी बड़े खुश हैं कि एल्बम को लोगों ने पसंद किया और इसे अप्रिशिएट किया। एक और चीज़ है जो कि इसमें स्पेशल है, सारे गाने जो है वो सोनू भाई का लिखा हुआ है, सो ही टर्न्स लिरिसिस्ट विद दिस एल्बम आल्सो। अब ऑफिशियल लिरिक्स, ऑफिशियल लिरिक्स पहले में लिखता था ऑफकोर्स। पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आप एल्बम में, पेंटिंग क्या रहस्य? वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर रिंगो, उन्होंने बनाया था, और विक्रम भाई के दोस्त हैं एक्चुअली वो। और उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आप हम दोनों पेंटिंग कर रहे हैं और हम दोनों लग रहा है कि हम एक लड़की बना रहे हैं, और जब उस पेंटिंग को उल्टा करते हैं तो मैं विक्रम भाई की तस्वीर बना रहा हूँ और विक्रम भाई मेरी तस्वीर बना रहा है। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों ने इसको सोचा कि ये कवर पे ही रखा। हाँ एग्जैक्टली, यही कॉन्सेप्ट कवर पे भी है, आप कवर देखेंगे तो वो उल्टा है, अगर देख रहे हैं तो इसमें उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे तो फेस आ जाएगा, ब्लू में विक्रम भाई की शक्ल है और जो जला हुआ है वो मेरी शक्ल है। सोनू सर, डबल सेलिब्रेशन है बिकॉज़ एक तो यहां म्यूजिक लॉन्च है, दूसरा आपकी आपका सॉन्ग भी ऑस्कर में गया है, तो क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली जल फिल्म का पूरा म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर समेत सब कुछ वहां पे जब करते हैं ओरिजिनल स्कोर तो वैसे रखते हैं, और विक्रम भाई और मेरी पहली आउटिंग एज कंपोजर, वो पहले कर चुके हैं फिल्म की बहुत सारे, पर हमारी जोड़ी के रूप में जो हमने साथ में काम किया उसे ऑस्कर में एडवांस लिस्ट में उसका शुमार किया गया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि ये इसमें किस्मत बहुत बड़ी बड़ा रोल प्ले करती है, और हमारे लिए बस ये है कि भगवान ने हमें चूज़ किया इस छोटे से क्या बोलते हैं इस तोहफे के लिए, गिफ्ट है ये, और हम उसको हमारे दोस्तों के साथ में अभी आने वाले सबके सब लाइन से उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी रंग बिरंगा पोस्टर है और आने वाले कल में होली का त्यौहार भी रंग बिरंगा आ रहा है, तो क्या तैयारी करते हैं सोनू होली के लिए? अभी इतना नहीं करते होली वोली, क्योंकि पहले करते थे, अभी इतना अभी तो मुझे आप पूछे मुझे पता भी नहीं होली कब है फ्रेंकली, तो मैं वही गब्बर सिंह की तरह बोलूँगा होली कब है कब होली ऐसे बोलूँगा, तो मुझे पता नहीं होली कब है। It's a personal opinion. I don't have any opinion on that. Sir, also मैं जानना चाहूँगी because censor board ने कुछ 28 words ban किया है। पहला जी आने वाले से पूछ लेना। अभी आने वाले हो पहला जी उनसे। लेकिन गानों में भी आजकल use होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? Each to itself. मैं और विक्रम भाई हम लोग लोगों की कुछ judge नहीं करते इतना। हमने क्या करना है ये हमने सोचा हुआ है। Exactly. हमने क्या नहीं करना ये हमें पता है। अब किसी को कुछ करना है, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी होते हैं, मैं हम लोग अपने काम से काम रखना चाहते हैं। कमर्शियल जमाना हो गया तो इंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? बजट भी आने वाला है, सरकार का डिसीजन है, अभी मुझे इसका इतना आईडिया नहीं। हम लोग लेट्स स्टिक टू द रीजन व्हाई वी आर हियर, हम लोग जिस कारण से यहाँ पर हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। हाँ हाँ।
अगर आप लोगों को अच्छा लगता तो आई एम रियली हैप्पी। हेयर स्टाइल आपका अलग अलग रहता है कई बार। हाँ जी। और लाइक व्हेन यू ड्रेस अप आल्सो मच अप्रिशिएट आई एम राइट। थैंक यू। या आई लाइक टू बी डिफरेंट। सोनू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सोनू जी के बारे में क्या कहें, बहुत बहुत बधाई उनको और विक्रम घोष जी को फॉर हैविंग द ऑस्कर नॉमिनेशन। आई थिंक इट्स अ प्राइड की बात है इंडिया के लिए, और उस लेवल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा कुछ हो और हम लोग एक साथ जुड़कर सेलिब्रेट ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस, एंड ऑल्सो द एल्बम इज डन वेरी वेल म्यूजिक रूम। सो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। आई विश यू ऑल द लक एंड बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी गुड लक। I have no comments on that. Sorry. Holi, what are your holi plans? First of all, you would like to know that. Holi. Haan, yeah. Maybe I'll be home or maybe I would be performing somewhere. I have no idea as of now. But holi मुझे बहुत पसंद है. तो रंगों की होली होती है, तो दो तीन line holi के ऊपर भी हो जाए. Please appear. Holi आने दीजिए पहले. It's 7th of March, second week of. It's very difficult to find you on holi day. होली के दिन एक ही तो गाना है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इट्स ऑल राइट एंड आई थिंक इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट 15 इयर्स नाउ। इट्स गुड टू रिवाइव अ सॉन्ग, उससे यही पता पड़ता है कि उस गाने में कितनी बात होगी कि वो दोबारा आकर उतनी ही एक्नॉलेजमेंट गेन करता है और उसको लोग रिकग्नाइज करते हैं, फिर से गाते हैं, फिर से उस पर डांस करते हैं। आई थिंक इट्स वंडरफुल। आई वुड लव टू हैव माय सॉन्ग्स रीमिक्स। आप म्यूजिक अवार्ड फंक्शंस में आ नहीं रही, लाइक आप सीमा में आपका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, आंखें बिछाती हल्के बिछाती। ये कोइंसिडेंस है, मैं परफॉर्म कर रही थी कहीं पर और मैं टाउन में थी नहीं, और बाकी जो भी कुछ अवार्ड फंक्शंस गलती से रह गए हैं, छूट गए हैं, वो सिर्फ प्री स्केड्यूल्स की वजह से हैं, जो प्री कमिटमेंट्स हैं। नहीं तो मैं ज़रूर हूँगी। कल मैं कल नहीं हूँ टाउन में, मैं फिर से जा रही हूँ। यहाँ भी मैं अभी एयरपोर्ट से बस 2 घंटे पहले ही आई हूँ ना। अगले साल हम बहुत ज़्यादा देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। आप जितना चाहेंगे उतना देखूँगी। नमस्कार जी, कैसे हैं? शर्मा जी ठीक है? सर कुछ आज की संध्या के बारे में सोनू निगम जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एज ए सिंगर बहुत अच्छे हैं, कहने की बात है नहीं। और अपना मुकाम बनाया उन्होंने और उनका आज एल्बम विक्रम घोष जी के साथ
काफ़ी अच्छा जा रहा, उसका मुबारकबाद देता हूँ। और जल जो फिल्म उन्होंने किया था वो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। देखिए, अवार्ड कोई भी हो, सम्मान कोई भी हो, तो अच्छा लगता है। और अगर एक बिंग ए इंडियन, इंडियन सिंगर, इंडियन एक्टर, अगर आप अब्रॉड जाते हैं, नाम करते हैं और वहाँ के भी अवार्ड आप जीतते हैं, तो ये अपने आप में एक मायने रखता है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर एक सिंगर का गाना, एक सिंगर का फिल्म अगर ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होता है, तो इट्स ए बिग थिंग। देखिए क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चीज आप खुद का क्रिएशन हो तो उसका मजा बहुत है। बाकी अगर कोई अच्छी बातें हैं, किसी ने बहुत अच्छा गाया है, उसको आप अपने अंदाज में अच्छा गाना चाहते हैं और अच्छा कोशिश करते हैं, तो उसका भी एक अपना मजा है। पर छेड़छाड़ करना सही है आपको लगता है? कई लोग कहते हैं कि ठीक नहीं करनी चाहिए। छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल चीज मजा आता है। जो मैंने कहा ना कि खुद का क्रिएशन हो, खुद की बातें हो, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन उसी चीज को फिर दोबारा पेश करें और उसमें कुछ अपना अंदाज रखें, कुछ और करें, तो ओके। लेकिन ओरिजिनल इज ओरिजिनल। बिरजू, होली तो मनाते ही रहते हैं। बिरजू तू आई गवा बिटवा, मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रे लाला। Look, center. Thank you. I just want to not take care of him. So now, thank you. So no I love you. आज ये संगीत के नाम है, आज संगीत का जीनियस, कंप्लीट एंटरटेनर, एक ऐसा आदमी जो अपने संघर्ष करके अपने बलबूते पे, अपने ऊपर वाले के आशीर्वाद से, और जिस तरह से उसने नया मुकाम, नए आयाम, नए मुकाम तय करता हुआ जो आज स्थान बनाया है सोनू निगम ने, सोनू निगम जिसको मैं कहता हूँ एक कंप्लीट एंटरटेनर, एक जीनियस, शायद सोनू निगम जैसा कोई व्यक्तित्व खासकर संगीत के मामले में हमारे मित्र इस वक्त पहराज नीलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ है बगल में खड़े हैं, ये भी मानते हैं कि उससे बढ़िया और उससे बड़ा व्यक्तित्व संगीत के मामले में कोई नहीं है। और आज विक्रम के साथ इन दोनों ने मिलकर, सोनू निगम ने और विक्रम ने मिलकर जो आज पेशकश की है, जो आज
ये नीचे करना थोड़ा एसीडी या ये संगीत किया जो इस शाम को एक अनमोल शाम बनाया, बढ़िया बनाया है, मैं उसकी शुभकामना देने उनकी हौसला अफजाई करने यहाँ आया हूँ। और ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये कल्चर का मामला है, आर्ट एंड कल्चर का मामला है, म्यूज़िक का मामला है। ऐसे मामले में मैं शुरू से कलाकार होने के नाते या फिल्म इंडस्ट्री का एक वरिष्ठ या यूँ कहूँ एक सीनियर या कुछ लोगों की नज़रों में एक लेजेंड होने के नाते मैं सामने आया हूँ हौसला अफजाई करने की शुभकामना दें। और मैं प्रहलाद नीलानी जी का भी बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये दिशा दी, ये दिखाया। और सोनू निगम के इसके प्रांगण में, सोनू निगम और विक्रम जी के इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने के लिए विशेष जोर। सर, लेकिन बीइंग अ लेजेंडरी पर्सन सर, आप एक एआईबी जैसे एक वायरल वीडियोस को किस तरीके से देखते हो सर, आपका परसेप्शन क्या है उसको लेके? आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एंड द मीनिंग बिहाइंड इट आल्सो, आई अप्रिशिएट इट, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। अभी किसी मैंने पहला निर्णय को कहा है कि अभी कोई कंट्रोवर्शियल मत करो, नथिंग कंट्रोवर्शियल, बट योर टेक ऑन दैट सर, हम उस पर अलग से बात करें। अच्छा सर, देश में जो इस समय बहुत सारे लोगों को आशा है बजट से, उसके ऊपर तो आप हमें बता के जा सकते हैं कि क्या आशा हो सकती है, क्या एक आम आदमी, क्या एक सेलिब्रिटी, क्या एक मध्यम वर्ग आशा रख सकता है? यानी इतना बड़ा आप गुनाह मुझसे करवाओगे कि बजट से दो दिन पहले बजट में क्या आ रहा है, अगर मुझे जानकारी हो भी, जो कि बिल्कुल नहीं है, और मैं सामने बता दूं आपको तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक है, उनके अनुरूप है, उसी तरह से ये बजट जो है, इस बजट पे मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, देश तो देश, विदेशों की निगाहें भी लगी हुई हैं, लेकिन अब इफ एंड बट का कोई स्कोप नहीं है। परसों तरसों बजट आ जाएगा, कल 26 तारीख है और 28 तारीख को बजट आ जाएगा, तब तक कहते हैं ना रुपहले पर्दे पे इंतजार कीजिए। सर, अब म्यूजिक लिए नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक कुछ पहला जी अब आज बता दीजिए, मैं क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे, रिएक्शन देना चाहेंगे सब लोग नीचे, अच्छे से होगा। एक बार वगैरह में हमको सुना है, होल्ड पे रख दिया गया, आपके पास एक अवसर है, आज आप अपनी बात कह सकते हैं। सिर्फ यही कहूंगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, इंतजार कीजिए, जरूर पढ़ेंगे अच्छे दिन, इंडस्ट्री के भी आएंगे और लोगों के भी आएंगे, हर पिक्चर अभी तक पास हुई है और पास करते रहेंगे। पर सर, आप आप पे आरोप लगाया, फिल्म इंडस्ट्री के खुद के लोगों ने आप पे आरोप लगाया, उसको कैसे देखते हैं आप? आरोप जो है एक सीढ़ी होती है कि जो आदमी अच्छा काम करता है उस पर आरोप लगते हैं, और मुझे लगता है कि आगे चल के ये सब ठीक होगा और अपेक्षा लोगों की है वो उसमें अच्छी उतरेगी। सर, अभी जो सर्कुलर आया बस, अभी इस पे जो है मैं इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सोनू निगम का ये कार्यक्रम है और मेरी यही आशा है कि जिस तरह से पहली सीरी ऑस्कर की चढ़ी है और इसको ये वहाँ पे पास हो जाए और ये एक देश का नाम हो और सोनू निगम जो हमेशा अच्छे रहे अपने म्यूजिक में, ये करे कि भाई वहाँ पे ऑस्कर में अवार्ड जीत के आए, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी मनोकामना है। बाकी बोलो खामोश। थैंक यू।